एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट तो सुलेखा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, दाल मखनी बहुत पसंद है तो सब काफ़ी तरह से बनती है, डिफरेंट टाइप से। तो मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ, तो आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने काली उड़द, साबुत एंड राजमा रात को मैंने सोक कर दिया था वाटर में, एंड मॉर्निंग मैंने इसे निकाल लिया है। अब लेंगे एक प्रेशर कुकर, उसमें डाल देंगे। क्वांटिटी मैंने डाल दी है चैनल पे, आप चेक कर लेना। एंड प्रेशर कुकर को कर देंगे कवर अप और फ्लेम को कर देंगे ऑन। टू विजल आने तक वेट करेंगे। टू विजल के बाद हम इसे निकाल लेंगे। देखिए आ गई टू विजल। अगर मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बॉक्स होगा, प्रेस करिए, बेल आइकन को टच करिए, हो जाएगा सब्सक्राइब, एंड हमारे साथ जुड़े रहिए, सुलेखा एवरीटाइम चैनल देखते रहिए। तो ये देखिए हमारी ये दाल एंड राजमा कितने अच्छे से कुक हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ मैं आपको उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। तो दाल हमारी कुक हो गई है, इसको साइड में रख, जो वाटर था वो इसी में ही है, मैंने निकाला नहीं है, साइड में रख देते हैं। उसके लिए हमें टोमेटो प्यूरी, गार्लिक पेस्ट, बटर एंड रेड चिली पाउडर। कलर के लिए स्पाइसी खाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। सॉल्ट, कसूरी मेथी फ्लेवर एंड टेस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है। जिंजर पेस्ट, साथ में क्रीम गार्निश के लिए दाल मखनी मसाला। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने लिया है पैन, ले सकते हैं कढ़ाई या पैन। फ्लेम कर दिया है ऑन। अब डालेंगे इसमें हम बटर 2 टेबल स्पून, दाल मखनी के लिए बटर बहुत ही अच्छा है तो आप जरूर यूज़ करें। बटर हमारा मेल्ट हो गया, अब डालेंगे इसमें हम गार्लिक पेस्ट। मैं ओनली गार्लिक एंड जिंजर डाल रही हूँ, बहुत ही इजी है मेथड, आप चाहे तो अनियन यूज कर सकते हैं। अब डाल दिया है जिंजर पेस्ट, इसको अच्छे से हम ब्राउन कर लेंगे। ये ब्राउन हो गया है, ये देखिए अच्छे से हमारा ब्राउन हो गया है मसाला। अब डाल देंगे इसमें रेड चिली पाउडर फॉर कलर, बहुत अच्छा कलर आएगा दाल मखनी में। एंड अब लेंगे कसूरी मेथी, इसको हाथों के अच्छे से मसल मसल के डालेंगे ताकि हमारी दाल मखनी का फ्लेवर और भी बढ़िया हो जाए। फिर से इसको हम चलाएंगे, हल्का सा भुनेंगे। तो ये देखिए ये भी ब्राउन हो गया है मेरा मसाला अच्छे से भून कर। अब लेंगे टमाटर प्यूरी, जो ताजे टमाटर की हमने बनाई थी घर पे, वो डाल देंगे इसको, अब तक ही भूनते रहेंगे जब तक इसमें की ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए हमारा रेड टमाटो भुन गया अच्छे से पेस्ट। अब डालेंगे इसमें दाल मखनी मसाला, ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है। अब डालेंगे अपना मसाला, मसाला डाल दिया, मसाला भी हमारा गया है भुन। उसके बाद हम डालेंगे अपनी दाल, दाल को अच्छे से चलाएंगे ताकि मसालों का सारा फ्लेवर इसमें आ जाए। 5 मिनट इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब डालेंगे इसमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब थोड़ा सा चलाएंगे, थोड़ी देर के लिए इसे कुक करेंगे, तो 3 मिनट के लिए बस हमारी दाल मखनी रेडी हो गई है। ये देखिए बहुत इजी है, आप घर पे आराम से बना सकते हैं ढाबे वाली दाल मखनी। तो अब एक बॉल लेंगे सर्व करने के लिए, उसमें हम गरम गरम दाल मखनी निकालेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी बनी है दाल मखनी। तो आप ज़रूर बनाएं ये रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब करें। ये देखिए दाल मैंने अपनी निकाल ली है, आप चाहे तो नान या राइस के साथ खा सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे हम क्रीम, मिल्क क्रीम
यम्मी एंड डिलीशियस बनाने के लिए। वाव, इसका टेक्सचर टेक्सचर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए बहुत बढ़िया हमारी दाल मखनी रेडी हो गई है। तो आप बाहर से खाने के बजाय अगर घर पे ही ऐसे बना लें तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। तो मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट